हे दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो हाँ यार, तो सही देखा आप लोगों ने, मैं जा रहा हूँ अपने घर। और इनफैक्ट जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक मैं घर पहुँच चुका हूँगा और सही सलामत, क्योंकि घर जाके ही मैं इसको एडिट वगैरह, अपलोड वगैरह सब कुछ करूँगा। तो यार अचानक ये प्लान बना, पिछले 5-10 दिन से ही ये प्लानिंग में थी और अब जाके ये एग्जीक्यूट हो गई। ये 17 जुलाई है आज, और आज ही मैं जा रहा हूँ घर। तो दिल्ली से मैं जा रहा हूँ, मैं घर दिल्ली में तकरीबन पिछले ढाई साल लगभग हो गए मुझे यहाँ में था, और अब जा रहा हूँ। तो जो प्राइमरी रीज़न है जाने का, कि जो इंस्टेंट रीज़न जो था, वो ये है कि मैं यहाँ पढ़ता था उत्तम नगर में, दिल्ली में। तो जो मेरी कोचिंग थी वो बंद हो गई। ठीक है, अब बंद हो गई। आपको पता है कि अभी जितने भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं, सबका जो मार्केट है वो काफ़ी डाउन हो गया है, क्योंकि सब एक तरह से इंडस्ट्रीज ही हैं, फैक्ट्रीज ही हैं, जहाँ पे बहुत ही मैकेनाइज ढंग से काम होता है। तो पता नहीं जो भी रीज़न है, उतना तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट कोचिंग बंद हो गई। तो मैं जा रहा हूँ अपने घर। लेकिन यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन है कि सिर्फ ये रीज़न नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज थे इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया था कोचिंग वगैरह, और मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट भी है तो जानता भी हूँ, तो इस वजह से। लेकिन इसके अपार्ट मुझे एक्चुअली मन था कि मैं लगभग 6-7 महीने पहले ही चला जाऊँ। ये मुझे मन था, मुझे घर जाने का बहुत मुझे मन हो रहा था, बट कुछ वही एक तरह से इसी की वजह से मैं यहाँ रुका हुआ था, कि यहाँ पे एक जॉब है, एक मैं काम कर रहा हूँ, घर जाके फिर दिक्कत होगी, फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो, मतलब यहाँ पे मैं अपना मैनेज कर ले रहा हूँ अपना खर्च वगैरह, वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो यही सब सोच के मैं रुका हुआ था, बट जैसे ही ये बंधन से मैं आज़ाद हुआ तो मैं निकल पड़ा। अब बात आती है कि जो सेकेंड रीज़न है, लेकिन मेरे लिए वही मेन रीज़न है कि मैं घर क्यों जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली एक इमोशनल आदमी हूँ, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा होमसिक फील करता हूँ जब भी मैं अपने घर से बाहर होता हूँ। जब से मैंने घर छोड़ा था, तकरीबन मैंने 2011 में छोड़ा था, 11 से 13 मैं रहा था पटना में अपने 11th 12th में, फिर एक साल मैंने टारगेट करा, उसके बाद ग्रेजुएशन, और उसके बाद फिर अभी। तो यहाँ दिल्ली में था मैं पिछले 2-2.5 सालों से, और उसके पहले मैं तकरीबन 5 साल मैं पटना में रहा हूँ। तो यार कहते हैं ना, मुझे फीलिंग एक अंदर से ये थी कि कहते हैं कि जो दुल्हन जब विदा होती है तो उसे बहुत, वो बहुत रोती है, बहुत दुख होता है माता पिता को और से भी, लेकिन जब बेटे विदा होते हैं घर से तो इसकी बात कोई नहीं करता। बट मुझे लगता है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग थोड़ा मतलब इमोशनली कवर्ड हैं, आइसोलेटेड हैं, इसलिए हम लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। घर से अलग होने का दुख क्या होता है, ये मुझसे बेहतर शायद कोई बता भी दे, लेकिन मैं बहुत अच्छे से मैंने इसको फील करा है तो मैं आपको बता सकता हूँ, और आप भी शायद कनेक्ट करो इस बात से, आपके साथ साथ भी शायद ये घटना, ऐसी चीज़ें हुई हो। तो ऐसे कि मैं क्या हूँ कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। तो इस वजह से जो मेरे घर वाले हैं उनसे मेरा अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा है, मेरे दोस्त ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम दोस्त हैं। क्यों? इसका एक मेन रीज़न ये है कि मैं अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, बहुत ज़्यादा। लोगों को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना अच्छा लगता है, मस्ती करना, घूमना फिरना, मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। तो ये सब कुछ फीलिंग्स हैं जिनकी वजह से मैं हमेशा से घर जाना चाहता था। घर छोड़ने में मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी शुरुआत में, जब मैं 11th में छोड़ रहा था, पहली बार घर से बाहर जा रहा था। हालांकि उसके पहले भी 9th 10th में भी मैं 1-2 महीने के लिए बाहर रहा था फॉर कोचिंग पर्पसेस, बट जो सो कॉल्ड आइसोलेशन फ्रॉम होम जो कहते हैं वो उसी टाइम हुआ। बट ठीक है, होना था तो ऐसा नहीं, पढ़ना भी था मुझे कुछ करना था, और इसलिए मैं अपने दिल पर पत्थर रख के, और घर वालों ने भी अपने दिल पर पत्थर रख के मुझे बाहर भेज दिया। मैंने सोचा था कि ये साल जो है, ये इस साल मेरा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, कि 2017 का जो रिज़ल्ट है क्लियर हो गया, अब जॉब हो जाएगी, तो मैं अपने घर वालों को यहाँ ला के रखूँ, या फिर जो भी हो इशू, बस पटना मेरी पोस्टिंग हो जाए तो मैं अपने घर के पास रहूँ, ऐसा सोचा था। लेकिन एक ऐसी अनहोनी हो गई, आपको बताइए, तो सब कुछ मतलब बिखर गया, मतलब बिल्कुल 2-3 दिन तो अभी मैं इतना नॉर्मल हो गया हूँ, और आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया था, लेकिन शुरुआत 19 तारीख को मेरा हुआ था, और 19, 20, 21 को तो मैं बहुत अलग ही ट्रामा में रहा। लेकिन ये जो बाहर रहने का जो सफ़र था, ये बहुत मुश्किल नहीं रहा, मेरे लिए काफ़ी आसान रहा। हालांकि घर से अलग होना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन बाहर रहना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं हुआ, और उसका क्रेडिट मैं देता हूँ अपने रूममेट्स का,
पटना में या दिल्ली में जो मेरे रूममेट्स रहे उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत मैं मुझे बिल्कुल फैमिली वाली फीलिंग हमारे बीच में थी। जितने भी थे जैसे भाई रहते हैं तो वैसे हम लोग हमेशा रहते थे। जो भी मेरे साथ रहा, किस्मत से, मैं किस्मत कहूँगा, भगवान की कृपा थी कि जो भी मुझे मिले बहुत अच्छे अच्छे मेरे दोस्त मिले। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उनके साथ रहने का। हम लोगों ने बहुत मस्ती तो नहीं की, नेगेटिव मस्ती तो बिल्कुल भी नहीं की, हंसी मजाक हम लोग बात करते थे। मैं थोड़ा खुश मिजाज इंसान हूँ, मुझे हंसी मजाक करना भी पसंद है और खुद भी लेना भी पसंद है। तो ये सफ़र सही अच्छा कटा, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं बाहर आके बहुत अच्छा मैंने टाइम स्पेंड किया। लेकिन दोस्तों, हालांकि मैं बहुत टेंस था, बहुत परेशान था, नहीं जाना चाह रहा था बाहर, बट स्टिल मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नहीं गए हो कहीं बाहर तो बाहर ज़रूर जाओ। दो मेन रीज़न बताता हूँ मैं इसके, घर से बाहर जाने के। पहला जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो तो है कि घर में आप बहुत अच्छे आपके लोग हैं, आप सब आपको प्यार करते हैं जो भी है, लेकिन घर में आप पढ़ नहीं पाते हो, आपको कहीं ना कहीं एक पैम्पर्ड रहते हो आप कहीं ना कहीं, और अपने पढ़ाई को अपने गोल की तरफ जो आपके स्टेप्स हैं वो आप सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। मेरा ये मानना है, मैंने ये फील किया है कि घर में कहीं ना कहीं एक स्लगिशनेस होती है आपके अंदर। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो इट वुड बी बेटर कि आप घर से बाहर रहो। लेकिन जिनके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, नॉलेजेबल हैं, वो लोग अपने घर में ही अपने बच्चों को ऐसा माहौल दे सकते हैं कि इस वजह से आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये तो अलग एक्सेप्शन है। लेकिन दूसरा जो रीज़न है घर से बाहर जाने का, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि आप नई नई चीज़ें सीखते हो, एक्सप्लोर करते हो, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आपको अगर ग्रो करना है, बढ़ना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई से नई चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप घर में रह के नहीं कर सकते हो। आप कहोगे कि सर इंटरनेट है, फ़ोन है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, ये सब है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन गूगल है, चलो गूगल आपने खोल लिया, लेकिन सर्च क्या करना है ये आप कैसे पता लगाओगे, ये आप पता नहीं लगा सकते। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बात करने से खुलती हैं। आपके आसपास जो दोस्त हैं, जो आप घर, जो अलग अलग फील्ड के लोग से आप मिलते हो बाहर, उनसे जब आप बात करोगे तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक है। ये अनकॉन्शियसली होता है, आप जान भी नहीं पा रहे होते, आप बहुत कुछ सीख रहे होते हो। बाहर की दुनिया से आप लड़ना सीखते हो, बाहर कई सारे आपको इंसल्ट्स फील करने को मिलेंगी, आपकी थोड़ी बहुत आपके झगड़े भी होंगे, लेकिन ये सब आपको कहीं ना कहीं अंदर से स्ट्रांग बनाती है। बाहर जाने का जो एक ट्रेडिशन है वो बुरा नहीं है, वो बिल्कुल होना चाहिए। तो अब मैं वापस खुद पे आता हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं दिल्ली में कहाँ रहता था, क्योंकि अब मैं बता सकता हूँ क्योंकि अब इश्यूज नहीं है। तो मैं रहता था JNU के पास, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो न्यू कैंपस है न्यू दिल्ली, इसके पास रहता था मुनिरका में। तो मैं यहाँ पढ़ता नहीं था, मैं मुनिरका में रहता था, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं JNU में, तो उनके मदद से मैं यहाँ पे रह रहा था, उन्होंने मुझे बताया था यहाँ पे रहने के बारे में। तो यहाँ रहा और यहाँ का एक्सपीरियंस गजब का रहा दोस्तों, मतलब कि मुझमें एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया पिछले एक डेढ़ सालों में। जो चीज़ें मैंने यहाँ रह के एक्सपीरियंस की, दैट इज़ कमेंडेबल। बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर रह रहे हो, ठीक है, कहाँ रह रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है, कैसे लोग हैं आपके आसपास। ऐसा नहीं है कि यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिल आउट करता हूँ, बातें करता हूँ, नहीं। यहाँ की हवा में ही एक ऐसा एडुकेशन है ना जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपके जो भी क्लोज लोग हैं, जो कि आपसे छोटे हैं, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका जो टारगेट है, जैसे किसी का टारगेट होता है IIT में जाना, किसी का NIT में जाना, किसी का एम्स मेडिकल लाइन में एम्स में एडमिशन लेना, जहाँ भी, जो सबका अलग अलग होता है कि हम लोग का जैसे कि SSC क्रैक करना, बैंकिंग का एग्ज़ाम निकालना, जो भी रेलवे वगैरह। तो बहुत ज़रूरी है कि जो एस्पायरेंट है उसको दिखाया जाए कि टारगेट अचीव करने के बाद तुम्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। जैसे कि जो IIT की तैयारी कर रहा है, मैं रिकमेंड करूँगा कि उसको लेके जाओ, किसी दिन किसी IIT में घुमाओ कि जरा देखो IIT को, तुमको यहाँ रहने को मिलेगा, ये सब तुम्हें फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये तुम्हारा यहाँ से एक एस्केप होगा, लॉन्च पैड यहाँ मिलेगा तुमको, ऐसा। तो इन सब चीज़ों से का गज़ब का एक असर पड़ता है आपके दिमाग पे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं 11th 12th काफ़ी बेटर मैं और कर सकता था अगर मेरे साथ ऐसी कुछ चीज़ें हुई होती। तो मैं उस टाइम पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं था, मैं 11th 12th में किसी भी कॉलेज में नहीं हुआ, बिल्कुल मैं सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेकर, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बोर्ड से मेरे ठीक ठाक मार्क्स थे, 88% मार्क्स थे CBSE बोर्ड,
लेकिन उसके अपार्ट में सीरियस नहीं था कि पढ़ना है, क्योंकि अंदर से कोई ड्राइविंग फोर्स थी ही नहीं। ये आपको देता है ड्राइविंग फोर्स। इसलिए कोई भी आपका टारगेट हो जो, तो उस टारगेट तक जाके एक बार एक्सपीरियंस कीजिए उसको कि क्या है वो टारगेट, फैसिलिटीज़ क्या है। तो आपको किसी और इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर खुद ब खुद एक जनरेटर चलता रहेगा और आपको आगे बढ़ाता रहेगा। तो वही ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ दोस्तों। जब JNU आया तो मुझे लगा कि यार अगर मैं जॉब करता हूँ, अगर मैं SSC क्रैक करता हूँ, तो मुझे इस तरह के इन तरह के लोगों के साथ रहने का मौका मिलेगा, इतने एजुकेटेड, इतने सभ्य। बिहार में जनरली हम लोग हैं कि बहुत सारे लोग, हम लोग थोड़ा इंसल्टिंग लैंग्वेज वहाँ पर हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यहाँ पर आके बिल्कुल मेरे लिए डिफरेंट सिचुएशन थी, मैं यूज़ टू ही नहीं था इस चीज़ को लेकर। तो बहुत चीज़ें मैंने यहाँ एक्सपीरियंस की और इट्स अ वंडरफुल थिंग, इट्स अ वंडरफुल प्लेस। आपको मौका आया तो आप प्लीज़ आप भी यहाँ पे आके घूमो। मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप पिक्चर्स से कुछ ना कुछ गेस कर पा रहे हो कि किस तरह की जगह है ये। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शांत, बहुत ही एलिगेंट सब कुछ है यहाँ पे। आप एक बार आके देखो यहाँ पे और आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे कि आप मतलब कहाँ जाने वाले हो। तो दोस्तों एक ये जो वीडियो थी, ये बस मुझे मन किया कि एक आखिरी वीडियो मैं यहाँ शूट कर लेता हूँ। थोड़ा मैं अभी इमोशनल हूँ यहाँ पे क्योंकि 2 साल यहाँ रहा हूँ, इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है, इतना कुछ यहाँ से गेन किया है और अब जाने की बात है। आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि क्या आपको कैसा फील होता है अपने घर से अलग होकर, और क्या आपको मन करता है अपने घर वापस जाने का, ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। तो बस दोस्तों इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा बेकार लंबी करने से भी फ़ायदा है नहीं। और इसको मैं जब आप देखोगे वीडियो को तो मैं घर पहुंच चुका हूँगा सही सलामत, और वहाँ पे थोड़ी इंटरनेट की कनेक्शन प्रॉब्लम वगैरह होती है तो शायद वीडियोस उतनी फ्रिक्वेंट ना आ पाए, उतना सेटअप भी वहाँ पे नहीं है। यहाँ तो मैं वाईफाई यूज़ कर रहा था लेकिन वहाँ पे तो मोबाइल डेटा प्लस मोबाइल डेटा भी वहाँ पे कनेक्शन वगैरह बहुत बढ़िया नहीं रहता है। खैर बट कोशिश करूँगा कि आपको वीडियोज़ दूँ, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मेरे पर्सपेक्टिव, जो मैं आपको बताता हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से। और एक और बात, बुक्स पे जो वीडियो है वो आने वाली है। जो मैंने बुक्स की वीडियो बनाई थी, आप लोगों का बहुत क्रिटिसिज्म आया कि सर इतने सारे बुक्स सब फेक है, सब गलत है, आप ये हो वो हो, सब सही है दोस्त। और ये मैं प्रूफ कर दूंगा अपने अगले वीडियो में। तो बस दोस्तों इतना ही था, मिलेंगे आप अपने घर पे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।